हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस हरप्रीत। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फेशियल खुद से और घर पे। तो अगर आपको मेकअप है, पार्टी है, अगर आपको कोई फंक्शन है, मैरिज वगैरह, तो आपको सलून वगैरह जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप घर से आराम से अपना फेशियल खुद से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम जो फेशियल यूज करेंगे वो है ब्लॉसम कोचर का फेशियल, जो है अरोमा मैजिक। इसके 7 स्टेप फेशियल हैं। तो बेसिकली हमें जो नॉर्मली हम लोग जो फेशियल करवाते हैं उनमें 4 या 5 स्टेप होते हैं फेशियल के, तो इसमें बेसिकली 7 फेशियल स्टेप्स हैं जिन्हें हम आज घर पे करेंगे। तो ये एक्चुअल में ब्राइडल ग्लो फेशियल है। अगर आपको फंक्शन वगैरह है तो आप आसानी से अपने घर पे से कर सकते हो। तो इसमें जो 7 स्टेप है उसमें है फेस क्लींजर, एक्सप्लोर जेल, स्किन सीरम, नरिशिंग क्रीम, फेस क्रीम, हाइड्रेटिंग जेल एंड सनस्क्रीन। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग, नरिशिंग और फुल रिपेयर कर देगा आपके सेल्स वगैरह, तो फेशियल का ग्लो आना बिल्कुल नेचुरल है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। तो ये मैंने ली है बिल्कुल छोटी वाली पैकिंग, जो मुझे पड़ी है 190 का पैक है ये फर्स्ट, और ये इसकी बड़ी पैकिंग मिलती है ऑनलाइन, और उसमें बेसिकली 6 स्टेप होते हैं, तो आप आसानी से शेवार कर सकते हो। तो ये वो होता है सलून स्टाइल कुछ। तो ये आप अगर डेली वेयर लगाना चाहते हो, एक सिंगल स्ट्रोक आप दिखना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो। तो ये है फर्स्ट क्लिंजर, हाँ ये है क्लिंजर एक्सप्लोर जेल, जैसे मैंने आपको बताया पूरा स्टेप वाइज है। और ये है इसका सीरम, हाइड्रेटिंग सीरम। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जो इसमें विटामिन सी होते हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपके डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को पूरा कवर करने में आपकी मदद करता है। तो इसके साथ अच्छी खासी आपको पूरी स्लिप दी गई है, ध्यान रखिए फेशियल करने से पहले आपको अच्छे से इसे रीड कर लेना है। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से हम लोग फॉलो करेंगे, तभी हमको अच्छे से पूरा रिजल्ट मिल सकेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो अपने हेयर वगैरह अच्छे से मैंने टाइट कर लिए हैं, तो अभी हम लोग फर्स्ट है ये क्लींजर, फेस क्लींजर, इसे हम नेक और फेस अच्छे से दोनों पर कवर कर लेंगे। तो ये है क्लींजर का जो है क्लींजर फेस, तो ये है उसका टेक्सचर, बहुत अच्छा है, क्रीमी है, स्मूथ है। तो अभी हम इसे अप्लाई करेंगे। ये हमने शुरू किया है फेस क्लींजर, फर्स्ट स्टेप है यो। ये इससे क्या होता है, हमारे फेस की जो हमारी स्किन है वो फेशियल करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, और जितना भी मेकअप, डर्ट, धूल, पोल्यूशन, जो भी हमारी स्किन में इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, वो अच्छे से रिड्यूस हो जाती है। तो हमें नॉट इवन द फेशियल, हमें कभी कभार घर पे भी अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में क्लींजिंग मिल्क अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट जो हम अपने फेस पे लगाते हैं, तो जब हम इसे क्लीन करते हैं तो वो अच्छे से हमारे फेस से निकल जाते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा हार्म नहीं करते। ये हम पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे से मसाज करके। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप कोई भी फेशियल करो, पूरा फेशियल आपको राउंड बाय राउंड ही करना है, अपने हाथों को राउंड ही घुमाना है, आपको किसी और मोशन में इसे नहीं चलाना है, ताकि हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा पैचिनस और रिंकल्स ना आए। तो इसलिए अपने हाथों को हमेशा सर्कुलर रिएक्शन में घुमाना चाहिए। यदि आप ऊपर से नीचे दाएं से बाएं करोगे तो आपकी स्किन में रिंकल्स पड़ जाएंगी। तो हमें महीने में एक बार जरूर फेशियल करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से पैम्परिंग हो जाती है। तो ये अभी पूरी 3-4 मिनट के बाद ही पूरा आप देख सकते हो कि क्रीम ने अब पूरी मेरे फेस पे सोख चुकी है। तो पूरी वाइट क्रीम थी जो अब मेरे फेस के अकॉर्डिंग पूरी मेरे फेस में स्मच हो चुकी है, आप देख सकते हो। बस अभी 1-2 मिनट और हम मसाज करेंगे, तो जो भी है देखो आप पूरी फेस पे के अंदर चली गई है ये वाली क्रीम, तो बहुत अच्छी है। तो स्टेप 2 है फेस
एक्सप्लोजर सेकंड स्टेप। तो ये एक्सप्लोर जेल, तो इसे हम 10 मिनट में अपने फेस पर लगाएंगे। अपनी आईज को छोड़ के पूरे अपने फेस पर लगाना है। फेस के साथ साथ हमें अपने नेक को भी कवर करना है। दिस इज ये एक जेल सी है। खुशबू बहुत अच्छी है, हाइड्रेटिंग है और आपकी पूरी स्किन को स्मूथ कर देगी ये वाली एक्सप्लोर जेल क्रीम। तो इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जिसमें आप लेवेंडर, मिनट और बहुत सारे फूलों की सुगंधें, बहुत सारे शैंसियस ऑयल हैं हमारी स्किन के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं वो वाले। तो इसे ये एक पैक की तरह है, इसे हम अपने पूरे फेस पे कवर कर लेंगे, इसे एक कोटिंग सी बना लेंगे। तो 10 मिनट के लिए अभी हम इसे रेस्ट करने देंगे। तो एक्सप्लोर जेल सेकंड जो स्टेप है उसमें है पेपरमिंट, गन्ना और कपूर और फ्रूटी एसिड है। पेपरमिंट और संतरा, लैवेंडर की खुशबू है इसमें, बहुत अच्छी है और आपके पूरे फेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है सभी। तो इसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं है जो आपके स्किन के लिए हार्म करेगा। तो जो नेचुरल है और स्किन टाइप है सभी लोग इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, तो आपको विदाउट एनी फेस और नेक कंजूसी के बिना ही फेस और नेक आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो अभी हम इसे 10 मिनट अपने फेस पे अच्छे से लगा के रखेंगे और 10 मिनट के बाद हम स्लोली स्लोली 3 मिनट अपने फेस पर मसाज करेंगे। और ये क्या आता है, ये आपके जो हमारे ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड हैं और आपके जो डार्क स्पॉट हैं उन्हें रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा और आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर देगा। और आपकी जितनी भी फाइन लाइंस हैं जो उनमें उनके अच्छे से उनके जो सेल्स हैं उनके उन्हें अच्छे से फिल कर देगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा। तो गाइस अभी 10 मिनट हो चुके हैं हमें एक्सप्लोर जेल लगाए हुए और अभी हम 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में। तो अभी जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है सीरम। अभी दो ही स्टेप हुए हैं और आप देख सकते हो कि स्किन बिल्कुल कितनी फ्रेश फ्रेश और ग्लोइंग ग्लोइंग सी लग रही है। तो अभी जो थर्ड स्टेप है वो है सीरम। तो चलिए फाइनली अभी टूट चुका है, तो ये है थर्ड स्टेप जो कि है सीरम। अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ऐसा होता है ना कि हमारी एज के एक आने के बाद तो क्या होता है कि हमारी जो एज झलकने लग पड़ती है जी, उससे क्या करेगा कि आपकी स्किन को बहुत स्मूथ करेगा। तो ये त्वचा आपको टोन करेगा, ब्राइटन अप करेगा। इसमें है गाजर, लेवेंडर, तुलसी, जैस्मीन और
एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो जैस्मिन इसमें जो इसमें बहुत अच्छी एक स्मेल ऐड करता है, तो अभी हम इसे अप्लाई करेंगे। विटामिन सी में बहुत ज्यादा फुल ऑफ एंटी एजिंग होता है, क्या करता है कि हमारी स्किन को इतना ज्यादा ग्लोइंग बना देता है कि हमारे स्किन वो बहुत एक टाइम के बाद जो हमारी डल दिखती है वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। और विटामिन सी की वजह से ये हमारी स्किन को अच्छे से क्लियर करती है। तो अभी हम थोड़ा सा अपने पूरे नेक और फेस पे अच्छे से मसाज कर लेंगे ताकि हमें पूरा फायदा मिल सके। इससे आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नरिशिंग हो जाएगी। अगर आप डेली बेस में भी सीरम यूज करते हो तो आपको अच्छे से इसकी वैल्यू पता होगी, जो आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा। आपकी स्किन में ओपर पोर्स है, पिगमेंटेशंस है, हाइपरनेस है, तो सभी को ये रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एंटी एजिंग है, आपकी उम्र छुपाने में सबसे ज्यादा ये माहिर है, तो आपकी उम्र को छिपाएगा। हमारी त्वचा जो रूखी हो जाती है कुछ टाइम के बाद, ये अच्छे से उसे रिड्यूस कर देगा और न्यू ग्लोइंग स्किन हमारी दबाने में हमारी हेल्प जो करेगा। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपकी फेस को, आपके मसल्स को रेस्ट देते हैं। ये बहुत ज्यादा चिकना चिकना सा है गाइस, अभी तक तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से मसाज करनी है इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए। जहां जहां आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मसाज की, वो है आपकी आईज का एरिया, फोरहेड, अराउंड द नोज और अपर लिप्स के अराउंड। यहां पर पिगमेंटेशन हो जाती है खासकर सर्दियों में, तो उससे बचने के लिए अच्छे से हम लोग मसाज करेंगे। तो गाइस अभी ये थर्ड स्टेप था, तो अभी हम इसे कोई भी हम पोंछे कि नहीं, तो इसे पोंछे बगैर हम चौथा स्टेप अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, जो है नरिशिंग क्रीम। और ये आपके फेस पर जितनी भी ड्राई स्किन हो जाती है उसे बहुत हेल्प करता है रिड्यूस करने में। और इसमें है रोजमेरी, जैस्मिन, विटामिन ई, सी और ए तथा ग्रेनियम है, और इसमें पेपरमिंट है। और बिल्कुल पेपरमिंट बिल्कुल आपकी स्किन को बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंड प्रदान करता है, तो उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्थी और ग्लोइंग दिखती है। तो इसे हम लोग अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, पूरी शैशे से निकाल लेंगे अच्छे से। और ये है इसका टेक्सचर। और गाइस मुझे पूरे फेशियल का जो टेक्सचर बहुत अच्छा है, इनकी क्वांटिटी भी आपने बहुत ज्यादा अच्छी ली हुई है, तो अभी हम इसे स्मेल बहुत अच्छी है। तो इसके हम लोग 15 मिनट मसाज करेंगे, 10 और 5 मिनट मसाज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रिजल्ट कैसा है। अभी जल्दी जल्दी मैं आपके साथ जो स्टेप्स हैं वो शेयर कर लेती हूँ। इसे हम लोग अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ही वाले स्टेप दोहराएंगे 15 मिनट के बाद। मैं आपको अभी मिलती हूँ फेस वॉश करके। तो गाइज ये हो गया है हमारा जो फिनिश फोर्थ स्टेप, तो अब हम चलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप की ओर। तो ये है फेस पैक और हाइड्रेटिंग जेल, तो इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे
और अपने फेस पर पैक अप्लाई करेंगे। तो इस पे है ऑर्गेनिक फ्रूट एसिड, संतरे के छिलके, लौंग का सत्र, रोली, संतरा और शुद्ध गंध तेल। तो ये होता है आपकी स्किन के हल्का करता है, आपकी पिगमेंटेशन दूर करता है, जितनी भी आपकी स्किन में डर्ट है, इंप्योरिटीज है, उसे दूर करता है। तो इसे हम दोनों में आपस में मिलाएंगे और 15 मिनट अपने फेस पर इसे अप्लाई करेंगे। तो यह है फिफ्थ और यह है सिक्स्थ स्टेप। तो पहले नरिशिंग जेल को अपने फेस पर अप्लाई हाथ पे ले लेते हैं ऐसे। तो इसका जो कलर है वो हल्का सा ग्रीन है, तो इसे हमने अपने हाथ में ले लिया। ये है हाइड्रेटिंग जेल है, ये है हाइड्रेटिंग जेल और क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और अभी हमें पैक इसमें मिक्स करेंगे। तो ये है पैक, तो पूरे को हम अपने अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों पैक्स को। तो भी हम इसे अप्लाई कर लेंगे। फेस और नेक दोनों पे पूरे अप्लाई कर लेंगे। तो ये है पैक, तो अभी 15 मिनट इससे रेस्ट करने के छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आपको पैक ड्राई होने के बाद 15 मिनट के बाद। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं हमारे फेस को पैक को लगे हुए। तो अभी मैं फेस को अपने अच्छे से वॉश करके आती हूँ और फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप अप्लाई। तो गाइस अभी जो पैक था मैंने निकाल लिया है, तो आप देख सकते हो स्किन में फर्क आपको अभी से दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल स्किन ग्लोइंग हो चुकी है। तो अभी चीक्स आप देख सकते हो, तो नोज पर भी। तो ये भी लास्ट है सनस्क्रीन, अगर आप धूप में जा रहे हो तो आप इसे अप्लाई कर लो। अगर आप घर पे रहना चाहते हो, शाम को फेशियल करते हो, तो आपको ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो। अभी मैं दिन में कर रही हूँ सुबह के टाइम, तो मैं अभी ये अपने फेस पे अप्लाई करूंगी सनस्क्रीन। ये क्या होता है कि आपको यूवी रेजेस से प्रोटेक्ट करता है, जो आप सीधी आपकी जो सन की लाइट है अपने आपके फेस पे पड़ती है ना, तो ये आपको उससे बचाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ककड़ी, ग्रीन टी, लेमन, एलोवेरा, एल्कोहल और इसमें विटामिन सी है, ए है और ब्लॉसम है, संतरा है, गुलाब है और लेवेंडर की शुद्ध गंधक, बहुत सारे ऑयल्स है इसमें, एसेंशियल ऑयल्स। और आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आपको वैसे भी डेली वेयर में भी सनस्क्रीन अपने फेस पर लगा कर ही बाहर निकलना चाहिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो सन की प्रोटेक्शन में ना आए। तो भी एक से दो मिनट हम इसे रखेंगे, उसके बाद फिर से मसाज कर लेंगे। साथ साथ अपनी आर्म्स और अपने हैंड्स पर भी इसे अप्लाई करना है हमें, ताकि हमारी स्किन टैन ना हो पाए। तो
फेशियल इज ऑलमोस्ट डन। तो ये था हमारा आज का फेशियल। तो मुझे तो फाइनली फेशियल करते करते एक बिल्कुल फ्रेशनेस जी फील हो रही है, क्योंकि काम करके अभी सुबह से थोड़ा सा टाइर्डनेस आ जाती है, आप सभी को पता है। तो अभी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो चुकी है और फेशियल वॉज टू गुड। तो ये है सारे पाउचेस, तो ये हमारे फेस पे अभी लग चुके हैं। इसका रिजल्ट मैं अभी से फील कर सकती हूँ अपने फेस पे। अगर आप लोग करना चाहते हो फेशियल अच्छे वाला और अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी ये वाला फेशियल। तो आप लोग घर पे जरूर ट्राई करें और एंजॉय करिए, ग्लो करते रहिए, और हमारे साथ ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे ब्लॉग देखने के लिए आपका मोस्ट वेलकम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो। और ऐसे ही रिव्यू चाहते हो तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है। और अभी जल्दी है और मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए।